श्रीनगर थाना अंतर्गत 10 जनवरी 2024 को दिन में करीब 3:30 बजे मटियोर गांव से जो बांध की ओर जाने वाली सड़क है उस पर आरोहण फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के जो एक कर्मी था उसको एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों के द्वारा जो कि अपना सर ढके हुआ था हथियार का भय दिखाकर करीब 84,150 रुपये और वीवो कंपनी का मोबाइल लूट लिया गया था उस कर्मी से। कांड के जो जब यह कांड घटित हुआ था कांड के शीघ्र उद्भेदन एवं लूटे हुए सामान की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटोरी के नेतृत्व में। इस SIT में अंचल पुलिस निरीक्षक पटोरी, DIU से पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार, थाना प्रभारी मोहद्दीनगर गौरव प्रसाद, PSI सोनू कुमार, PSI प्रियंका कुमारी, DIU से सिपाही मिथिलेश कार्य कर रहे थे। तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर 31 जनवरी 2024 की रात्रि में बैजू राय उर्फ बाबर, पिता हरदेव राय, साकिन चपड़ा डुमरी, थाना मोहनपुर ओपी जिला समस्तीपुर को गिरफ्तार किया। जो बैजू राय की जो गिरफ्तारी हुई है तो बैजू राय के पास से जो लूटा हुआ मोबाइल है वो बरामद किया गया है। तो बैजू राय से जब पूछताछ की गई तो इस घटना में दो और अपराधी इसके साथ मिलकर के कुल 3 अपराधी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। जो दूसरा अपराधी था गुड्डू सिंह, पिता कामेश्वर सिंह, साकिन मटियोर, थाना मोहद्दीनगर। तीसरा विपत राय, पिता राम पुकार राय, साकिन पत्थरघाट, मोहनपुर ओपी। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और छापेमारी शुरू कर दी गई है। जो बैजू राय है वो पहले से भी शराब के कांड में फिरार चल रहा था। आप लोग को याद ध्यान होगा कि करीब मई जून के महीने में मोहनपुर ओपी में एक एम्बुलेंस से शराब बरामद की गई थी। उसमें बैजू राय अभियुक्त था और कई महीनों से फिरार चल रहा था। और जो मोहद्दीनगर थाना की पुलिस है, मोहनपुर ओपी, तो दोनों ने मिलकर के इस बैजू राय को गिरफ्तार किया है। जो छापेमारी जो की गई है, छापेमारी दल में जो थे वो थानाध्यक्ष मोहद्दीनगर गौरव प्रसाद, PSI सोनू अपर थानाध्यक्ष मोहद्दीनगर, PSI प्रियंका कुमारी मोहद्दीनगर, PSI विशद विश्वास मोहनपुर ओपी, परीक्षमान PSI दीपक कुमार, परीक्षमान पुअनी गुड्डू कुमार, सिपाही 135 फैजल आलम, सिपाही 116 सोनालाल पंडित, इन सभी ने मिल करके और मोहद्दीनगर और मोहनपुर की थाने ने मिल करके बैजू राय को गिरफ्तार किया है और इस काम का सफल हो गया। धन्यवाद।